सभी को राम राम उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं डीप डाइव करने जा रहा हूँ मार्लिन पॉन्ड जो टोकन है और इसकी क्या टेक्नोलॉजी है काफ़ी दिनों से बहुत सारे लोग टेलीग्राम ग्रुप में पूछ रहे थे कि सर मार्लिन को कवर करो सो टुडे फाइनली आई हैव डिसाइडेड टू कवर मार्लिन मार्लिन थोड़ा टेक्निकल प्रोजेक्ट है एंड इट्स नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर द नॉन टेक्निकल पीपल तो इसलिए मेरे को भी थोड़ा टाइम लगा टू अंडरस्टैंड इट और जो मुझे समझ में आया है आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट टू यू हो सकता है मेरे से भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल लोग हो, तो इफ अंडरस्टैंड बेटर दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड देयर इंफॉर्मेशन इन आवर टेलीग्राम ग्रुप वो भी अपना प्रस्पेक्टिव जो है वो शेयर कर सकते हैं तो फ्रेंड्स uh, आज का ये जो वीडियो है पूरा का पूरा मार्लिन पे बेस्ड है और मार्लिन uh, क्या करता है इसकी क्या टेक्नोलॉजी है क्या टोकोनॉमिक्स है और इसका क्या प्राइस प्रडिक्शन uh, हो सकता है इन नेक्स्ट बुल रन वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स और हमेशा एक तरह डिस्क्लेमर मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ तो फ्रेंड्स जो ब्लॉक है बेसिकली इसके मेन तीन लेयर्स होते हैं मैंने एक ये छोटा सा वर्ड डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए बनाया है और ये तीन लेयर्स हैं मेन जो जो बॉटम लेयर है जो सबसे ग्राउंड ज़ीरो का लेयर है वो नेटवर्क लेयर है जो नेटवर्क लेयर है इसके अंदर आपके सर्वर्स आ जाते हैं आपका स्टोरेज आ जाता है आपका नेटवर्क जो है वो आ जाता है मतलब आप कैसे कनेक्टेड हो इंटरनेट आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हो ये सारी चीज़ें हैं तो ये बॉटम लेयर है जो कि बहुत ही क्रिटिकल है और कहीं ना कहीं आज के डेट में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है बॉटम लेयर क्योंकि आपने देखा होगा कि हम जो भी ब्लॉकचेन यूज़ कर रहे हैं जो भी डेटा स्टोर होता है ब्लॉक में होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के थ्रू होता है बट जो नोड्स होते हैं जितने भी नेटवर्क के अंदर वो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज सर्वर पे रिलाई करते हैं चाहे ए डब्ल्यू एस हो चाहे माइक्रोसॉफ़्ट हो और उसी तरीके से जो हमने भी पीछे केस देखा था फ्यूरा का जहाँ पे जो आर पी सी पॉइंट्स है जहाँ से आपको चाहे तो फ्यूरा ब्लॉक कर सकता है मेटामास्क का ट्रांजेक्शन या अभी जो प्राइवेसी का जो इशू हुआ था जहाँ पे ये देखने को मिला था कि मेटा मार्क्स कैन शेयर योर आई पी एड्रेस एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन क्योंकि आप इनफ्यूरा जो है वो सेंट्रलाइज सर्वर जो है वो आप यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए भी कई सारे सोल्यूशंस हैं जैसे पॉकेट नेटवर्क है या और भी हैं सोल्यूशंस आकाश का भी अभी एक सोल्यूशन जो है वो देखने को मिला है तो ये जो बॉटम लेयर है ये अभी बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से एक्सप्लोर नहीं हुआ है और बहुत ज़्यादा इस पर काम करने की ज़रूरत है इफ़ वी वॉन्ट टू बी फुल्ली डिसट्रलाइज्ड फुल्ली सेंसरशिप रेजिस्टेंट तो अगले बुल रन में जो मेरा मेन टारगेट एरिया होगा वो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड मेनली दी बॉटम लेयर लेयर ज़ीरो भी आप इसको कह सकते हो तो ये सारी जो तो चीज़ें मैंने एक बस एग्जांपल के लिए जस्ट टू रिलेट की uh, क्या क्या यूज uh, है और कौन कौन से टोकन्स जो है एग्जिस्ट करते हैं मैंने यहाँ पे फाइल क्वाइन का जो स्टोरेज का है वो मैंने एक बड़ा प्लेयर है आकाश एक बहुत बड़ा प्लेयर है जैसे आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ केस बढ़ रहा है जीपीयू के यूसेज बढ़ेंगे चाहे फॉर एग्ज़ाम्पल आप इथेरियम uh, का जो नोड है चाहे बिटकॉइन का नोड है चाहे और भी अदर ब्लॉक के नोड है 90 परसेंट जो है लोग है वो सेंट्रलाइज सर्वर ही यूज करते हैं जो कॉस्टली भी ज़्यादा है और सेंट्रलाइज्ड भी है जैसे फॉर एक्जाम्पल ए आई थिंक पाँच डॉलर के आसपास का मंथली कॉस्ट करता है या हज़ार मैंने कोई ट्वीट देखा था तो थाउजेंड डॉलर का कॉस्ट करता है अगर आप इथेरियम का नोड रन करते हो महीने का और उस यूजर ने लिखा था कि मैं सौ दो डॉलर ही कमाता हूँ बट आई हैव टू पे थाउजेंड डॉलर फॉर दी ए सर्वर तो ए डब्ल्यू एस पे उसने होस्ट किया था अपना नोट तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक बॉटल नेक है एक चैलेंज है यहाँ पे आकाश कुड प्ले वेरी नाइस रोल आप आकाश पे आप चाहो तो uh, अपना जो है वो नोट uh, होस्ट कर सकते सको बहुत सारी चीज़ें आर वी भी, भी है uh, और इसी में मार्लिन पॉइंट भी और भी अदर सोल्यूशंस है बहुत ज़्यादा नहीं है देयर आर फ्यू तो मैं इस uh, जो बॉटम लेयर है उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ जो जो मेरे को इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स मिलेंगे डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू गाइस तो फ्रेंड्स ये जो लेयर है इसके अंदर मार्लिन पॉन्ड है और मार्लिन पॉन्ड का जो मेन काम है वो होता है जो ब्लॉकचेन प्रोपोगेशन होता है जब भी कोई ब्लॉक माइन होता है तो उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो सारे जो भी नेटवर्क के अंदर नोड्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं दैट इन्फॉर्मेशन नीड्स टू बी शेयर विद ऑल दी नोड्स टू मेक अ कंसेंसेस So, जब तक वो सारा इंफॉर्मेशन सारे नोट्स पे अपडेट नहीं होगा तब तक आप लेटेस्ट जो है इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते रिसीव नहीं कर सकते और जो है वो कंसेंसिस नहीं बना सकते तो इसका जो ब्लॉक प्रोपोगेशन है उसके चलते कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेटवर्क जो है कई बार स्लो हमें देखने को मिलता है क्योंकि होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल इथेरियम का आई थिंक हज़ार से ऊपर नोड्स हैं इथेरियम नेटवर्क में तो वो सारे नोड्स को इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोपोगेट करना होता है और जो ब्लॉक प्रोपोगेशन होता है उसके लिए कोई इंसेंटिव नहीं है ब्लॉक जो माइनिंग है देखो एक नोड होता है एक वैलिडेटर नोड होता है जो वैलिडेट करते हैं ब्लॉक जो माइनर्स होते हैं दे गेट रिवॉर्ड बट जो अदर नोड्स होते हैं जो कंपिटिशनल पावर अपना देते हैं टू डिसेंट्रलाइज द नेटवर्क उनको बहुत कुछ ज़्यादा कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता इसलिए जो है वो चीज़ें बहुत स्लो हो जाती हैं और एक सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है आ, स्लो होने में वो ये है कि जैसे मान लो ये मेरा नोड है मैं दिल्ली में बैठा हूँ कोई बंदा लेट से न्यूयॉर्क में बैठा है तो वहाँ से मतलब पीयर टू पीयर जो नोड है उससे डेटा ट्रैवल करने में बहुत सारे चैलेंजेस होते हो सकता है वहाँ पे जो बंदा बैठा है वो गूगल फाइबर यूज़ कर रहा है उसके पास लेट से 700 सौ या हज़ार गीगाबाइट का स्पीड है जी में और यहाँ पे जो बंदा बैठा है वो 50 एम या सौ एम तो ये बहुत सारी बहुत सारे चैलेंजेस है जिसके चलते कई बार हम देखते हैं कई बार क्या मतलब इसके चक्कर में डिसेंट्रलाइज जो है वो नेटवर्क नहीं होता और काफ़ी स्लो हो जाता है क्योंकि बहुत सारे हम केसेस में देख हम देखते हैं कि जो नोट्स हैं वो काफ़ी कम होते हैं जस्ट टू मेक दी ब्लॉक चेन फास्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हम बाइनेंस की बात करें तो बाइनेंस का आई थिंक इक्कीस नोड्स हैं टोटल वैलिडेटर जो कि पूरा ब्लॉक चेन चला रहे हैं विच इज़ हाईली सेंट्रलाइज और अगर बहुत ज़्यादा नोड्स होंगे तो फिर कहीं ना कहीं स्लोनेस आती है तो ये सारा जो ब्लॉक चेन का ट्राइलेमा है जहाँ पे एस्केलेबिलिटी भी है और सिक्योरिटी भी है और एक आई थिंक प्राइवेसी भी है ये जो ट्राइलेमा है ये अभी भी जो है उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है ताकि ब्लॉक चेन डिसेंट्रलाइज भी हो और फास्ट भी हो तो ये दोनों चीजें एक साथ करना बड़ा मुश्किल काम है इसलिए बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे सोल्यूशन जैसे मैटिक है लेयर टू में आर्बिट्रम तो वैसे ये लेयर जीरो के अंदर आपका पॉन्ड है जो कि ब्लॉक प्रोपोगेशन को फास्ट बनाता है ताकि ब्लॉकचेन को अच्छे से ऑप्टिमाइज किया जा सके और उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सके तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें समझना है कि ब्लॉक प्रोपोगेशन क्या होता है तो एक छोटा सा वीडियो है आई होप यू गैस विल लाइक इट

A peer-to-peer -peer or decentralized network is a group of independent computers called nodes which are interconnected with each other to share data among each other without the use of a centralized computer. In this example, each node has the same capabilities. They are equal to each other, hence the word peer. In this drawing, each circle represents a node, and these nodes are interconnected with each other. These nodes have the same capabilities, hence the word peer. In a centralized network, there is one central node where all nodes send their data to. The central node then sends the data to the intended recipient. In this, and then the central node sends it to node F. Here is an example of a Bitcoin peer to peer network. On April 11, 2017, on this particular time, there were 6,966 nodes online. As you can see, at that date and time, there were lots of nodes active in the United States and in Europe. When data is moved from one node to another, it is called data propagation. It takes time to propagate the same data to all nodes in the network. In this example, node A wants to propagate its data to all nodes in the network. If node A is a computer located somewhere in New York and node P is located somewhere in Amsterdam, it takes time before it reaches this node in Amsterdam. Network latency is a term used to indicate any kind of delay that happens in data communication over a network. Latency is the time it takes for data to travel from its point of origin to the point of destination. Low latency means small delay times, while high latency means long delays. There are many factors which contributes to latency. For example, delay caused by data propagation over long distance or intercontinental communication via undersea cables, delay caused by transmitting data through routers or switches. If node A propagates data to the network, node D receives this information earlier than node P. If you compare node D and node M with each other, the order of transactions. आप लोग को समझ में आ गया होगा जो भी नोट होते हैं नेटवर्क के अंदर वो इंफॉर्मेशन को पास ऑन करते हैं टू तो दी नेबर नोट्स और इस तर, तरीके से जो है वो ब्लॉक प्रोपगेट होता है आफ्टर इट गेट्स माइंड और इसके इसका जो पूरा प्रोसेस है इसमें टाइम लगता है इसलिए कई बार कॉन्फर्मेशन में आप देखते हो काफ़ी टाइम लगता है इथेरियम हो चाहे बिटकॉइन हो चाहे और अदर ब्लॉकचेन्स हो जितना ज़्यादा नोड्स होगा नेटवर्क में उतना ज़्यादा डिसेंटलाइज होगा बट एट द सेम टाइम उतना ज़्यादा स्लो होगा तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्लिन अपने टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिसको बोलते हैं रीलेयर तो रीलेयर के थ्रू जो है वो आ, आ, इंसेंटिवाइज करता है जितने भी रिलेयर्स हैं उनको टू प्रोपोगेट फास्ट क्योंकि अभी देखो ब्लॉक प्रोपोगेशन में क्या होता है अगर सेम रीजन में है जैसे माइनर्स लेट से यूएस में बैठे हैं सारे तो जल्दी प्रोपोगेट होगा या सेम क्लाउड यूज कर रहे हैं एडब्ल्यू एस एम माइक्रोसॉफ्ट मतलब सेम क्लाउड सर्विस देन वो फास्ट होगा बट अगेन वो सेंट्रलाइज नहीं है देखो दैट इज द चैलेंज जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो सेंट्रलाइजेशन का है तो उसको मार्लिन कहीं ना कहीं मिटिगेट कर रहा है थ्रू इट्स टेक्नोलॉजी और ये टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल से वन ऑफ इट्स मैं बोलूँगा ये यूनिक टेक्नोलॉजी uh, है और मार्लिन पॉन्ड का अभी कोई भी डायरेक्ट कॉम्पेटिटर नहीं है तो ये एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है और सबसे जो बड़ी बात है वो ये कि टीम केपेबल है जो टीम है वो काफ़ी अच्छी हैवी वेट्स हैं ज़िलिका का जो को फाउंडर आई थिंक ही इज़ द फाउंडर ऑफ मार्लिन और और भी हैवी वेट्स हैं मैं इसका इंटरव्यू सुन रहा था uh, इस बंदे का जो मार्लिन का फाउंडर है uh, 2017 थाउजेंड सेवेंटीन या एटीन 18, 18 का था वो इंटरव्यू तो ये प्रोजेक्ट जो है दो से लाइव है इस पर काम चल रहा है तो क्विकली uh, मैं आप लोगों को समझाऊं कि कैसे ये काम करता है तो यहाँ पे uh, मैं वैसे इस डॉक्यूमेंट को जो है वो डिस्क्रिप्शन uh, में डाल दूंगा तो मेनली ये देखो क्लस्टर्स रिसीवर और ये जो है सारा इनका जो गेम है वो रिलेयर के थ्रू है और रिलेयर नेटवर्क रन करने के लिए आपको मार्लिन uh, का जो है वो uh, uh, पॉन टोकन की जरूरत होती है इसलिए तो ये क्लियर यूटिलिटी टोकन है विदाउट पॉन्ड टोकन आप इस प्लेटफॉर्म को बिल्कुल भी रन नहीं कर सकते और विदाउट पॉन्ड टोकन आप ब्लॉक को प्रोपोगेट नहीं कर सकते तो आज के डेट में इस बेयर मार्केट में हमें उन टोकन्स को देखना है जहां पे वैल्यू अक्रूवल हो मैंने ट्वीट में भी किया था कि कुछ ना कुछ वैल्यू अक्रू होना चाहिए चाहे वो रेवेन्यू शेयरिंग हो चाहे रियल यूटिलिटी हो मतलब जबरदस्त यूटिलिटी और नहीं तो गवर्नेंस भी हो तो ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसका जो रेवेन्यू है वो बिलियंस में है ताकि वहाँ पे जो आप गवर्नेंस का जो आपका पर्पस है वो बिगर स्केल पे हो तो देखो ज़्यादातर देखो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ गवर्नेंस टोकन 90% परसेंट ऑफ़ गवर्नेंस टोकन बेकार है कोई यूज़ नहीं है और जो रियल यूटिलिटी टोकन है या रियल यील्ड के जो टोकन है जो रेवेन्यू शेयर करते हैं उनमें प्राइस अप्रिसिएशन या वैल्यू अप्रूवल जो है हमें देखने को डेफिनेटली मिलेगा तो ये जो है आप डॉक्यूमेंट अगर आप देखो तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ब्लॉक जो प्रोड्यूस करते हैं उनको दे आर कनेक्टेड विद क्लस्टर इन इनका जो एक टेक्नोलॉजी है क्लस्टर से कनेक्ट होना होता है और ईच क्लस्टर हैज़ मेनी रिलेयर्स तो ये मतलब ये टेक्निकल है थोड़ा क्लस्टर और रिलेयर्स का जो कॉम्बिनेशन है उसके थ्रू जो है वो ब्लॉक को फास्टली प्रोपोगेट करते हैं एंड देन जो रिसीवर नोड होता है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसीव करता है तो मोटा मोटा मैंने आप लोगों को समझा दिया कि कैसे बाकी आप चाहो तो इसके अंदर आप डीप डाइव कर सकते हो आप की टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग जबरदस्त है तो इसमें बिल्कुल माइक्रो uh, लेवल पे आप इसको रिसीव डी कोड कर सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोड्यूसर्स इंट्रोड्यूस ब्लॉक्स इन टू द नेटवर्क प्रोड्यूसर्स आर जनरली माइनर्स हु विश टू गेट देयर ब्लॉक्स प्रोपोगेटेड टू अदर माइनर्स इन द नेटवर्क इन द शॉर्टेस्ट टाइम टू इंश्योर द ब्लॉक इज नॉट ऑर्फन देखो ऑर्फन जो होता है वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर आप देख सकते हो uh, मैंने थोड़ा सा इस पर स्टडी किया कि uh, ऑर्फन रेट जो होता है वो क्या होता है ऑर्फन रेट बेसिकली क्या होता है कि जो अलग अलग नोड्स हैं वो एक पेस पे काम नहीं कर पाते जैसा कि मैंने चैलेंज आपको बताया कि रीजन का प्रॉब्लम हो सकता है या क्लाउड जो आ, सर्विस प्रोवाइडर है वो डिफरेंट हो सकता है तो उसके चक्कर में हर नोड एक दूसरे के साथ पेस नहीं बनाता इसलिए ऑर्फन रेट जो है वो हाई हो जाता है विच इज अगेन विच मेक्स ब्लॉक चेन स्लो तो ये है ऑर्फनेस को ऑर्फन रेट को ये रिड्यूस करता है

रिसीवर्स पे ए सब्सक्रिप्शन फी टू द प्रोटोकॉल टू ज्वाइन द रिसीवर सेट अगेन रिसीवर को भी अब आई एम नॉट श्योर कि पॉइंट में पेमेंट करना है कि अदर टोकन्स में तो इस पर मैं कॉमेंट नहीं कर सकता बट हाँ प्रोड्यूसर्स जो होते हैं जो रिले नेटवर्क रन करते हैं उनको डेफिनेटली पॉइंट की जरूरत है और विदाउट पौन्ड ये ब्लॉग प्रोपोगेशन नहीं हो सकता यहाँ पे आ, मैं देख सकता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग ये क्लस्टर ऑपरेटर्स हैं जो ब्लॉक प्रोपोगेट करते हैं और ये ब्लॉकचेन एग्नोस्टिक है तो ऐसा नहीं कि इथीरियम पे ही ये चलता है ये जितने भी ब्लॉक हैं उन सबको सपोर्ट कर रहा है सबको स्केल ऑप्टिमाइज उनके नेटवर्क uh, को कर रहा है विच इज़ अगेन ह्यूज चैलेंज है इन ब्लॉक इंडस्ट्री यहाँ पे आई थिंक इथीरियम कॉस्मोस और पोलका डॉट को ऑलरेडी इनके ब्लॉक्स को प्रोपोगेट कर रहा है और सोलाना uh, का भी मैंने सुना था और भी एवे लॉन्च पर भी ये काम करेंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं और भी अलग अलग ब्लॉक चेंस पर ये आ रहे हैं प्रोपोगेट करेंगे और अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोवाइड करेंगे तो होप आप लोगों को ये तो समझ में आ गया कि ये क्या होता है और कैसे काम करता है तो ये इसका यूएसपी है और वन ऑफ दी मेन जो प्रोडक्ट है उसका ये है बाकी और भी प्रोजेक्ट्स और भी प्रोडक्ट्स हैं मार्लिन के मैं देख रहा था एक कोई इन्होंने कैशे जो है वो अभी पीछे लॉन्च किया था मैं कोई इनका ब्लॉग पढ़ रहा था जहाँ पर जो डेटा हम क्वेरी करते हैं जो ग्राफ है चाहे अनमार्शल है जहाँ पे हम डेटा क्वेरी और इंडेक्सिंग करते हैं उसको और भी फास्ट बनाता है अगर आप मार्लिन का कैशे प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करोगे मैं इनका डेमो भी मैं देख रहा था ये क्वेरी का जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा है डेली और एक्चुअली क्या होता है इन्फॉर्मेशन जो है वो ब्लॉक से डाउनलोड होने में काफ़ी टाइम लगता है और इन्होंने इसलिए ये जो है एक सल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया है विच इज़ मार्लिन कैशे तो आप इसको डेफिनेटली इसको भी मैं जो है वो ऐड कर दूंगा। तो यूज़ केसेस मार्लिन का बहुत है और मैं मुझे एक एक जेम लगता है अगेन आई कुड बी टोटली रॉन्ग लेकिन मुझे इसका कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर अभी नज़र नहीं आ रहा है और टीम बहुत ज़बरदस्त है और नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस गाइज और बैकर्स भी बहुत अच्छे हैं अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये बेयर मार्केट कितना लंबा चलेगा और ये सर्वाइव कर पाएंगे फंड कितना है रनवे कितना है दैट इज़ अनदर थिंग बट जिस तरीके के बैकर्स हैं आई थिंक कि इनको फंड में भी इतना कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि देखो प्रोजेक्ट जो है वो एक कहीं ना कहीं बिल्डिंग ब्लॉक का, का काम कर रहा है और बहुत ही क्रूशल प्रोजेक्ट है जिसकी ज़रूरत है ऐसा कोई रैंडम मीम टोकन नहीं है या कोई इस तरह का टोकन नहीं है जो ना भी हो तो काम चल जाएगा ब्लॉक ये एक बॉटम लेयर पर स्केल करने की कोशिश कर रहा है ब्लॉक को अब बात करते हैं जो मीट ऑफ वीडियो जो है जो जूस ऑफ द वीडियो वो है टोकोनॉमिक्स और प्राइस क्या हो सकता है लेट्स टॉक अबाउट इट तो जो टोटल सप्लाई है वो है दस बिलियन डॉलर सॉरी दस बिलियन टोकन्स इनका कोई आईसीओ आईडी और नहीं किया इन्होंने ये पूरा का पूरा प्राइवेट सेल में इन्होंने रेज़ किया है और चार साल पहले ये सारी फंडिंग मतलब चार साल के दौरान ये सारी फ़ंडिंग हुई है आ, मैंने टेलीग्राम पे इनसे चेक किया तो इन्होंने बोला कि 30 मिलियन फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन से लेके 80 मिलियन फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन के बीच में इन्होंने फंड रेज़ किया है और अभी का जो इनका फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन है क्योंकि बेयर मार्केट में वी शुड ऑलवेज लुक फॉर द फुल्ली डायल्यूटेड वैल्यूएशन तो इनके हिसाब से जो इन्होंने प्राइवेट रेड प्राइवेट सेल में जो फंड रेज किया है उसी प्राइस के आसपास है यानी कि उसके अपर रेंज पे है तो प्राइस इज नॉट बैड लेकिन मैंने भी कुछ कैलकुलेशन किया इनके हिसाब से 17.23 परसेंट जो है इन्होंने टोटल जो आ, सप्लाई है 10 बिलियन का वो बेचा है टू प्राइवेट आ, इन्वेस्टर्स और या आपको सत्रह सौ तेईस एम पौंड इनका एक पॉन्ड और एम पौंड का कॉन्सेप्ट है एम पौंड जो है वो बेसिकली गवर्नेंस में यूज़ होता है तो ऐसा नहीं कि कोई टोकन डाइल्यूट हो रहा है पॉन्ड और एम पौंड को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं ऐसा कोई नया टोकन नहीं है मतलब एम पौंड आपको अगर लेना है तो आपको ब्रिज यूज करना है और पॉन्ड को जब आप पौंड आप देते हो देन यू गेट एम तो इन्होंने एम पौंड में रेस किया है सत्रह सौ तेईस एम पौंड एक जो पौंड है वो एक एम पौंड जो है वो वन मिलियन पौंड के बराबर है इनके जो बैकर्स हैं जिन्होंने प्राइवेट सेल में इनको पैसा दिया वो है वो क्वाइनबेस है बाइनेंस है पेंटेरा है एरिंगटन है और इलेक्ट्रिक है सारे ए क्वालिटी के फंड हाउसेस हैं मेरा जो सबसे फेवरेट है वो इलेक्ट्रिक कैपिटल है uh, और पेंटेरा है तो ये दो बड़े ज़बरदस्त मेरे को लगते हैं इनका रिसर्च भी काफ़ी ज़बरदस्त होता है मैंने जो कैलकुलेशन किया बहुत ही इजी कैलकुलेशन बहुत ही इजी मैथ मैंने किया तीन मिलियन इन्होंने देखो इससे ज़्यादा रेज़ किया क्या किया मेरे को नहीं पता बट वेबसाइट पे इन्होंने तीन मिलियन डाला हुआ है कि तीन मिलियन इन्होंने रेज़ किया है तो तीन मिलियन को अगर आप डिवाइड करते हो इस अमाउंट से वन बिलियन टोकन से तो आपका जो रेट आता है वो आता है ज़ीरो यानी कि 0.002 आप ले सकते हो और अभी 0.008 है और फुली डेल्यूटेड वैल्यूएशन साढ़े सत्रह मिलियन का मैंने जो कैलकुलेशन किया है बट इनका ये कहना है कि 30 मिलियन से 80 मिलियन का फुली डेल्यूटेड में इन्होंने रेस किया है दस बिलियन के अंदर जो चार बिलियन टोकन है वो लॉक्ड है वो किसी इन्वेस्टर के पास नहीं है कोई डंप नहीं कर सकता वो ब्रिज पर्पस के लिए है जो पॉन्ड टू एम पॉन्ड आप कन्वर्जन करते हो तो चालीस परसेंट सप्लाई जो है वो बाहर हो गई जो दो बिलियन का जो सप्लाई है वो है रिजर्व uh, है स्टेकिंग और इंसेंटिवाइज नोड जो भी नोड ऑपरेटर्स हैं जो प्रोड्यूसर्स जो मैंने आपको बताया जो ब्लॉक प्रोड्यूस करते हैं उन वो जो रिलेयर रन करते हैं उन, उनको इंसेंटिवाइज़ करने के लिए क्योंकि जो सारा यूज केस है वो इंसेंटिवाइजेशन का है क्योंकि ब्लॉक प्रोपोगेशन में कोई इंसेंटिव नहीं मिलता है सारे ब्लॉक में मेनली वैलिडेटर नोड होते हैं उन्हीं को कुछ रिवॉर्ड मिलता है तो इसलिए इंसेंटिवाइज़ करने के लिए पौंड की जरूरत है तो उन्होंने एक लार्ज चंक जो है वो बीस स्टेकिंग के लिए रखा है वहां पर आपको भी मिल सकता है अगर आप जो भी ये प्रोड्यूसर्स हैं जो क्लस्टर और रिलेयर रन करते हैं उनको आप चाहो तो अपना पॉन्ड स्टेक कर सकते हो एंड यूल गेट नाइस एपीआर वो उसके बारे में आपको तो साठ परसेंट जो टोकन है वो है नहीं और चालीस परसेंट uh, जो है वो ही कहीं कही ना कहीं मार्केट में फ्लोट करेगा यानी कि दो बिलियन तो आएगा मतलब ये धीरे धीरे अपना आई थिंक स्टेकिंग के थ्रू आएगा बट जो मेनली जो टोकन है वो फ्लोटिंग चार बिलियन ही रहेगा इन द लॉन्ग टर्म तो मुझे लगता है कि ये वैल्यूएशन देखो अभी के मार्केट में वी हैव विकम लिटिल ग्रीडी क्योंकि हमें बहुत नीचे का प्राइस चाहिए बट आप नॉर्मल कंडीशन में देखो तो 40-45 मिलियन इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ऐसा कुछ ऐप नहीं है और एक बहुत ही क्रूशल प्रोजेक्ट है तो मेरे को लगता है कि ये भी प्राइस बुरा नहीं है लेकिन एक कैवियट है 22 दिसंबर को ये पांच बिलियन जो टोकन है उसको ये रिलीज करने जा रहे हैं जो मैंने कंफर्म किया है टेलीग्राम में तो इसके अंदर कुछ टीम के भी टोकन है कुछ अब स्टेकिंग के भी अब पूरा मतलब मिक्स ऑफ आई थिंक है तो मेरे को पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है बट हां एक मेजर चंक जो है वो आएगा सप्लाई में तो देयर कुड बी ए चांस ऑफ डंप तो डंप का 22 दिसंबर को हो सकता है 22 मतलब दिसंबर एंड तक कहीं डंप आ जाए तो इसको आप बिल्कुल नज़र बना के रखो मैं 30 टू 40 परसेंट का एक डाउनसाइड पे इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में हूँ और 44 मिलियन जो इसका जो फुली रिलेटेड 88 मिलियन है मैं 50 मिलियन के आसपास मैं सोच रहा हूँ अगर मिल जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाए क्योंकि मेरे को जो लॉन्ग टर्म में दिखता है अगर प्रोजेक्ट सर्वाइव कर जाए इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है तो ये पांच बिलियन का भी वैल्यूएशन ले सकता है बड़े प्यार से इन बुल रन तो पचास मिलियन फुली डोलेटेड से पांच बिलियन इज क्लीन हंड्रेड एक्स तो ये फिफ्टी टू हंड्रेड एक्स ईजीली है लेकिन देखो मार्केट में जब मेनिया आता है यूफोरिया आता है क्योंकि देखो मैटिक के अंदर क्या हुआ आज के रेट में आप देख रहे हो कि मैटिक के का यूसेज बहुत बड़ा है कल को अगर इसका भी न्यूज़ आने लगा जितने भी ब्लॉक चेन्स हैं वो सारा प्रोपोगेशन इसके थ्रू होने लगा क्योंकि देखो सबको अपना ब्लॉक चेन फास्ट बनाना है अगर मार्लिन इस तरह का सोल्यूशन एक बिल्ड कर रहा है और मतलब और, और बहुत ज़्यादा हिट हो जाता है अडोपशन हो जाता है तो यू नेवर नो मतलब 10, 15, 20 बिलियन भी जिसका मार्केट कैप जा सकता है तो मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है तो मैं जो प्राइस पॉइंट देख रहा हूं 0.005 के आसपास 30 टू 50 परसेंट का एक आ, कट मेरे को चाहिए अगर देखो नहीं मिलता है मैं थोड़ा वेट करूंगा जैसे मैंने आप बताया है कि मैं दिसंबर ज्यादा ज्यादा वेट करूंगा बाकी मैं स्लोली थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी करूंगा मुझे पर्सनली लगता है कि मार्केट में एक एक शॉर्ट टर्म रैली आ सकती है एक दो तीन महीने की तो मैं थोड़ा वेट करूंगा बाईस दिसंबर का बट 0.005 मेरा एक बढ़िया रेट रहेगा एंट्री का और ये जो है आधा डॉलर यानी कि 50 सेंट से लेके कर एक डॉलर भी जा सकता है आने वाले टाइम में अगर 0.005 से 100x होता है तो आधा डॉलर होता है 0.50 पॉइंट एक डॉलर होता है तो 200x हंड्रेड एक्स एक डॉलर जाएगा तो 10 बिलियन का फुली रिलेटेड कोई बहुत बड़ी बात नहीं है फॉर दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट और वैसे भी आपको पता है आधा जो टोकन है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के पास नहीं है वो ब्रिज के पर्पज है तो एक डॉलर जाना मेरे हिसाब से बड़ी बात नहीं है इवन दो डॉलर भी जाना बहुत बड़ी बात नहीं है तो डेफिनेटली ये जो प्रोजेक्ट है उसको रेडार पे आप रखो एक हाई रिस्क हाई रिटर्न आप बोल सकते हो बट हाँ मैं अपने पोर्टफोलियो में एक अच्छा एलोकेशन इसमें दूंगा मिनिमम मैं फाइव परसेंट एलोकेशन का सोच रहा हूँ जो कि देखो मैं रिस्क लूंगा मेरा कन्विक्शन है आपका जो रिस्क है यू हैव टू थिंक अबाउट इट अबाउट योर कन्विक्शन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी वन लॉस और प्रॉफिट मैंने सारी चीज़ें आपको जो है इस वीडियो में बताया कि क्या टेक्नोलॉजी है क्या काम कर रहा है इतना डीप डे मुझे नहीं लग रहा कोई आपको बताएगा इस प्रोजेक्ट के बारे में क्योंकि मैंने भी बहुत सारे वीडियोज़ देखे कोई भी ढंग का वीडियो मेरे को नहीं मिला है मार्लिन पॉइंट पर तो आई थिंक दिस वीडियो डिजर्व सम व्यूज़ तो डेफिनेटली कुछ व्यूज़ बढ़ाओ यार थैंक यू वेरी मच हैव अ ग्रेट डे